दोस्तों हाल ही में ही एच ने तेजस मार्क वन ए फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाई को कंडक्ट किया था इस फर्स्ट फ्लाई के बाद बताया ये जा रहा था कि जिस समय हमारी वायुसेना को तेजस मार्क वन ए फाइटर जेट की डिलीवरी शुरू की जाएगी उस समय हमारे ये तेजस मार्क वन ए फाइटर जेट बैटल रेडी कंडीशन में होंगे यानी कि जिस समय हमारी वायु सेना को तेजस मार्क वन ए फाइटर जेट दिए जाएंगे उस समय हमारी वायु सेना इन फाइटर जेट का इस्तेमाल तुरंत किसी भी मिशन में कर सकेगी इसीलिए अब एच जल्द से जल्द तेजस मार्क वन ए फाइटर जेट के वेपन ट्रेल को भी शुरू करने जा रहा है और अब एच की तरफ से बताया ये जा रहा है कि हम अपने तेजस मार्क वन ए फाइटर जेट के अंदर ड्यूल पाइलोन का भी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर ड्यूल पाइलोन को आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि जिस समय किसी भी फाइटर जेट पर ड्यूल पाइलोन लगाई जाती है उस समय फाइटर जेट अपने साथ में ज्यादा मिसाइलों को लेकर जा सकता है शुरू में एच की तरफ से ये प्लानिंग की गई थी कि जिस समय हम अपने तेजस मार्कवन ए फाइटर जेट के अंदर डोल पाइलोन लगाएंगे उस समय इस पाइलोन को हार्ड पॉइंट नंबर थ्री और हार्ड पॉइंट नंबर फोर में लगाया जाएगा जिसका फायदा हमको यह होता कि हमारा तेजस मार्कवन ए फाइटर जेट अपने साथ में दो एक्स्ट्रा एसराम मिसाइलों को लेकर जा सकता था यानी एक बार में हमारा तेजस मार्कवन ए फाइटर जेट चार एसराम मिसाइलों को लेकर जा सकेगा लेकिन यहाँ पर भारत के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ऐशराम मिसाइल को यदि तेजस मार्कन ए फाइटर जेट के विंग्स के नीचे लगा दिया जाता है तो उस कंडीशन में लगातार इस बात का खतरा बना रहेगा कि हमारे तेजस मार्कन ए फाइटर जेट के जो विंग्स हैं वो कहीं बैंड ना हो जाएं कहीं हमारे फाइटर जेट की आयो स्ट्रक्चर पर फर्क ना पड़ जाए इसी बात को देखते हुए अब एचल तेजस फाइटर जेट की एक फिजिबिलिटी स्टडी को करना चाहता है जिसमें ये देखने की कोशिश की जाएगी कि एक्स्ट्रा ड्यूल पाइलोन लगने की वजह से हमारे तेजस मार्क वन ए फाइटर जेट के विंग्स तो कहीं बैंड नहीं हो रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर पर तो फर्क नहीं पड़ रहा है और इस स्टडी के दौरान अगर एच को सब कुछ सही लगा तो फिर हमारा तेजस मार्फन ए फाइटर जेट काफी आसानी से डोल पाइलोन के लग जाने के बाद एक बार में चार एसराम मिसाइल को लेकर जा सकेगा जिसका हमको सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हमारे तेजस मार्फन ए फाइटर जेट की जो फायर पावर होगी उसमें चार चांद लग जाएंगे और अब अभी कमेंट कर कर बता सकते हैं कि क्या हमको अपने तेजस मार्कवन ए फाइटर जेट के अंदर ड्योल पाइलोन को लगाना चाहिए हाँ या फिर ना इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो है गुड